विंटर आ चुका है और उसके साथ साथ बढ़िया वाली पालक भी मिलना शुरू हो गई है, तो आज बनाते हैं आयरन एंड प्रोटीन से भरपूर पालक खिचड़ी। पालक खिचड़ी होती है वो दो तीन स्टेप में बनाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं कि कुकर के अंदर मैं ले रही हूँ, ये मैंने भिगाए हुए हाफ कप चावल लिए थे जो एक कप हो चुके हैं भीग के, हम ऐड कर देते हैं कुकर में। और सेम क्वांटिटी मैंने ली है ये मूंग वाली येलो दाल, वो भी हाफ कप लिया था भीग के, ये एक कप हो चुकी है। आप चाहो तो चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अरहर दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं अब इसमें ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और ढक्कन लगा के मैं इसको पकने दूंगी 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे। अब जब तक कुकर की सीटी बजती है तब तक मैं पालक को ब्लांच कर लेती हूँ। मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये दूसरे एक बोल में मैंने आइस वाटर लिया हुआ है कि जैसे ही पालक को हम ब्लांच करेंगे तुरंत ही आइस वाटर में डाल देंगे। अब मैंने ये एक बंच पालक लिया है, इसको मैं पानी में ऐड कर देती हूँ और सिर्फ हम 5 सेकेंड ही रखेंगे और तुरंत ठंडे पानी में निकाल देंगे। जैसे ही 5 सेकेंड हो जाता है मैं पालक निकाल के सीधा ठंडे पानी में ऐड कर दूंगी। अब ये पालक को हम अच्छी तरह से ठंडा कर देंगे। अब ये ब्लांच की हुई पालक को मैं एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये 4 हरी मिर्च। ये खिचड़ी में ना मैं हमेशा हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, लाल मिर्च का नहीं। और एक नींबू का रस ऐड कर देंगे ताकि कलर एकदम ही हरा रहे। एक पैन में मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर देती हूँ और अब मैं उसमें 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करूँगी। अब ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 साबुत वाली मिर्च। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हींग। खिचड़ी में हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब ऐड कर देते हैं 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन। जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए वैसे ही मैं ऐड कर दूंगी एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। और ऐड कर देते हैं नमक। ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि दाल चावल में भी हमने नमक ऐड किया है। प्याज हल्के हल्के से पक चुके हैं, मैं सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून ये धनिया जीरा पाउडर। अब सब्जी ऐड करना टोटली ऑप्शनल है पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये थोड़े से बीन्स एंड गाजर ऐड कर देती हूँ। सब्जी आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप कॉलीफ्लावर, मटर, टमाटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगा के थोड़ी देर सब्जियों को पकने देते हैं। ये देखिए दाल चावल तो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आपको पालक खिचड़ी के लिए ऐसे ही दाल चावल चाहिए, एकदम ही मशी मशी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 ही सीटी बजानी है। अब इसमें से ये दाल चावल लेके मैं ये जो सब्जियां पक चुकी है उसमें ऐड कर देती हूँ। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ ये जो पालक की प्यूरे हमने बनाई थी उसको। एक्चुअली ये पालक की प्यूरे में आप थोड़ा सा धनिया भी साथ में क्रश कर सकते हो। आपको अगर मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर पालक एकदम लास्ट में ही ऐड करिएगा ताकि वो कलर बहुत अच्छा रहे। अब ये देखिए मज़ेदार सी पालक खिचड़ी हमने मिक्स कर दी है। मैं इसको बस 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पकाऊंगी। तड़के के लिए मैं पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ। घी में मैं ऐड कर देती हूँ 2 कली लहसुन और लहसुन को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने दूंगी। एक मिर्ची भी सूखी वाली ऐड कर देते हैं। ये लीजिए अब तड़का भी तैयार है और पालक खिचड़ी भी फटाफट से सर्व कर देते हैं। अब ये पालक खिचड़ी को मैं फटाफट सर्व कर देती हूँ। ये फ्राइड मिर्ची हम टॉप पे रख देते हैं और ये जो तड़का तैयार किया था वो हम खिचड़ी पे पोर कर देते हैं।
तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस सुपर हेल्दी आयन से भरपूर पालक खिचड़ी। सारी खिचड़ी एक तरफ और पालक खिचड़ी एक तरफ, अमेजिंग।